और इस संस्था का जो दर्शन है, शायद आपने प्रथम दिवस में ये सुन लिया था, परिस संस्था के बहुत सारे सिद्धांत को शायद कई लोगों ने सवाल किया था कि आखिर इसमें होता क्या है और क्या चीज है। निजानंद संप्रदाय यानी निज यानी अपने ही आनंद की ओर लौटना, और आनंद की ओर लौटने का तात्पर्य है जब व्यक्ति बहिर्मुखी से अंतर्मुखी की ओर आगे बढ़ता है, और उस समय जब एक परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, तो उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के लिए जिसके बारे में ये विषय ही, जैसे आपने यहाँ पर इस सम्मेलन का विषय है वेद प्राच्य विद्या, और इस विषय के अनुसार यदि मैं कहूं तो विषय जिस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को वेद का विषय कहता है, वेदा हमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्ण उत्तम शपरस्ता तमे विदित्वा अधिकृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयना। इस दुनिया से परे, वो प्रकृति से परे उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का जो दिव्य परब्रह्म का जो घर है, तमसह परस्ता यानी प्रकृति से परे, और तमे विदित्वा यानी उसको जान करके ही व्यक्ति उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद तक अपने आत्मा कल्याण के मार्ग के लिए अक्षर हो सकता है। ना अन्य पंथा विद्यते अयनाय, कि ये एक ही मार्ग है जिस मार्ग से व्यक्ति उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद तक अपनी आत्मा का मिलन कर सकता है। निजानंद संप्रदाय का दर्शन एक आत्मा और परमात्मा पर ही डिपेंड है, और आत्मा यानी सृष्टि के अंदर आई हर आत्मा, हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान वो शक्ति, जिस शक्ति को कई लोग प्राण के नाम से बोलते हैं, कई लोग आत्मा के नाम से बोलते हैं, कई लोग जीव के नाम से बोलते हैं, और हम उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को प्रेम पूर्वक प्राणनाची करके पुकारते हैं। इसलिए यहाँ आपने मंदिर में भी देखा होगा, या श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ यानी उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कि जो हम अंश स्वरूप है, ये सभी इस धरती के ऊपर रहने वाली आत्माएं, उस आत्मा के पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को जानने के लिए ये ज्ञानपीठ हर व्यक्ति को आत्मा के लिए और उस परमधाम तक जाने के लिए ये मार्ग, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और इस सृष्टि को छोड़ने के बाद मुझे जाना कहाँ है, और उसी विषय को और इसी निजानंद दर्शन के अंदर यही विषय रखा गया है कि निजानंद यानी अपने सुख आत्मा के सुख की तरफ हम आगे बढ़े, और जैसे उपनिषद से लेकर के दर्शन से लेकर के मृत्यु और मां अमृतम गमेत के हे मानव तो मृत्यु से अमृत की ओर चले, यानी हम इस संसार से उस परब्रह्म की तरफ चले जिस परब्रह्म को छोड़ करके हम इस दुनिया में आए हैं, यानी हमारा इस दुनिया में आना, इस संसार के अंदर हमारा मानव जीवन प्राप्त करना, और मानव जीवन का उद्देश्य केवल इतना है, मान के देह अखंड पल पाइए, सो पाई के वृथा गवाइए, कि यदि आपको मनुष्य तन मिला है तो इस मनुष्य तन को लेकर के आप उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को जब तक नहीं जान पाएंगे तब तक इस भवबंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए भवबंधन से पार होने के लिए और इस प्रकृति के सिद्धांत को समझते हुए और वेद को समझते हुए, और जिसके बारे में वेद से लेकर के गीता से लेकर के हर धर्मशास्त्र उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के विषय में जो वर्णन करते हैं, जैसे उपनिषद कहता है ना तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् न मन मनो न विद्मो न विजानीमो, किस स्थूल और सूक्ष्म यानी साकार और निराकारमय तत्वों से परे वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, शुद्ध स्वरूप चैतन्य स्वरूप उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को हम जाने, और अपनी आत्मा के अंदर उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को हम भक्ति और भावना के माध्यम से विराजमान करें, ताकि अपना जीवन इस भवसागर से परे जा सके। इसलिए भवसागर से तरना और भवसागर से पार होना यानी ये ज्ञान का ही एक माध्यम है, और ये ज्ञान का विषय ही हमारे लिए इसलिए अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को भवसागर से पार ले जाता है, और ज्ञान ही हमें इस दुनिया से पार कर सकता है। इसलिए रिते जानात ना मुक्ति, कि ज्ञान
हमारे लिए कल्याणकारी क्यों है? क्योंकि ये मोक्ष का मार्ग प्रस्तुत करता है। और इसीलिए इसी निजानंद संप्रदाय के अंदर उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद तक पहुंचने के लिए, जिसे गीता से लेकर के गीता में जिस तीन पुरुषों का वर्णन क्षर अक्षर अक्षरातीत हलो द्वा इमं पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष तत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरण कि क्षर पुरुष जिनके द्वारा सृष्टि का सृजन, अक्षर पुरुष जो कुटस्थ है और उस कुटस्थ पुरुष से परे वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है जो उत्तम पुरुष है, और उस उत्तम पुरुष को ही इस दुनिया के अंदर आत्मा का मालिक कहा जाता है। निजानंद संप्रदाय की ये फिलोसफी और ये ज्ञान हर व्यक्ति को आत्मा के मार्ग पर ले चलना चाहता है। इस आत्मा के मार्ग में जो आनंद जो सुख है, उसी सुख का वर्णन करें कि तुम अपने निज यानी अपने आनंद की तरफ चलो, निजानंद की तरफ चलो। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जिस दुनिया में हम आए हैं, ये संसार अत असत जड़ दुख माया रूपम त्रिधा स्मृत, कि ये असत जड़ और दुखमय ये प्रकृति, इस प्रकृति से परे अतः तद विपरीतम सच्चिदानंदम लक्षणम, कि उससे परे वो सच्चिदानंद लक्षण स्वरूप सत्चित और आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, जो उत्तम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष ही सारे सृष्टि का सृजन करता है, और ये उत्तम पुरुष ही इस तमस प्रकृति से परे उस अखंड परम धाम में रह करके जिसके बारे में गीता कहती यद गत्वा न निवृत्तंते तद धाम परम, कि जहाँ जाने के बाद व्यक्ति को कभी मृत्यु के बंधन में आने की जरूरत नहीं पड़ती, वह परम धाम और वो अखंड परम धाम की ओर जाने के लिए हमारी जो ब्रह्मवाणी है, हमारा निजानंद संप्रदाय है, ये निजानंद संप्रदाय सभी देविक शक्तियों के साथ उस परब्रह्म शक्ति यानी उस सारी शक्तियों के स्रोत को एक आधारशिला मानता है, और आधारशिला मान करके उस आत्मा कल्याण के लिए हर व्यक्ति को प्रेरित करता है, ताकि हर मानव इस आत्मा कल्याण को करते हुए अपने इस दुनिया में आने का उद्देश्य पूर्ण करे। और यही एक निजानंद दर्शन और ये ज्ञानपीठ का एक मार्ग है, जिस मार्ग को कई लोगों ने पूछा था कि आखिर ये क्या चीजें, हम अब तक नहीं समझ पाए। इसलिए ये समझने वाला विषय नहीं है, जो हमारे वेद जो हमारे उपनिषद पहले से कह रहे कि सृष्टि किसने बनाई, तो पहले से वेद ने कहा ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यम जगत, कि संपूर्ण संसार उस परब्रह्म के द्वारा उस सच्चिदानंद के द्वारा सर्जित है, और उस सर्जित करने वाले उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का हमारा जो अनादिकाल का संबंध है, और उस अनादिकाल के संबंध के बारे में बताने वाला वेद विषय, और उस वेद विषय को शायद पूज्य राजन स्वामी जी का जो पहले से विषय रहा है, और स्वामी जी ने इसी वेद विषय से लेकर के आचार्य श्री महामंडलेश्वर कमल किशोर जी ने भी शायद इस विषय को चुनाव किया, मुझे नहीं पता किस लिए किया, लेकिन शायद इन दोनों महापुरुषों को देख करके मुझे ऐसे लगता है कि कुमारिन भट्ट की याद आती है, कि कुमारिन भट्ट जब वेद का लुप्त हो रहा था तो कुमारिन भट्ट एक बात कह रहा था, को गच्छामि किम करोमि कुत्र गच्छामि को वेदानुद्धारिष्यति, कि मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ कौन वेदों का उद्धार करेगा। और इस सूत्र का जो कुमारिन भट्ट ने नारा लगाया था, उस के लिए एक नारी ने अपना जो ये कुमारिन भट्ट ने एक नारी के द्वारा ये तीन शब्द सुने, और तीन शब्द सुनने के बाद कुमारिन भट्ट ने अपना संपूर्ण जीवन वेद के प्रचार के लिए लगाया, और वेद के प्रचार के साथ साथ उस ईश्वरीय ज्ञान को सारी दुनिया में बताया। तो ये प्राणनाथ ज्ञानपीठ यही कहता है कि ये वेद जो ईश्वरीय ज्ञान है, और ईश्वर यानी वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी, और उस ईश्वर को यदि हम एक साथ मिल करके यदि इस दुनिया में फैलाएंगे, तो शायद जिस विषय को हम इस दुनिया में फैलाना चाहते हैं, जब हमारा भारत देश अपनी ही संस्कृति से सुशोभित रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि क्रिश्चियन और बाइबल की और कुरान की जरूरत पड़ेगी। यदि हम ठंडे रहेंगे, शायद कुमारिन भट्ट की तरह हम किसी की आवाज सुन पाएंगे, तो मुझे लगता है कि भारत देश की संस्कृति सभ्यता और शास्त्र जीवित रहेंगे, और जब संस्कृति सभ्यता और शास्त्र जीवित रहे, तो शायद किसी और संप्रदाय का यहाँ आना भी होगा नहीं। यदि नहीं किया गया, तो शायद जैसे क्रिश्चियन मिशनरी जितनी जल्दी से फैल रही है, और जो चीजें फैल रही है, ये शायद रुकेगी नहीं, और हम
अपने में ही सीमित होते चले जाएंगे। इसलिए वेद विषय यानी ईश्वर, ईश्वर यानी वो परब्रह्म, और परब्रह्म यानी आत्मा का कल्याण का मार्ग, और यही निजानंद संप्रदाय का सिद्धांत है कि आत्मा आनंद स्वरूप, वो परब्रह्म यानी सच्चित और आनंद स्वरूप, ये सच्चिदानंद स्वरूप जो परब्रह्म है, ये हमारा आत्मा का विषय है, और हम आत्मा के विषय की ओर लौट के चले, वेद के विषय की ओर लौट के चले, यही श्री ज्ञानपीठ सरसावा का भी उद्देश्य है। और हर संत और इस सभा में उपस्थित सभी महानुभावों से और विद्वत वर्ग से ये ज्ञानपीठ यही अपेक्षा करता है कि सभी विद्वत वर्ग वेद विषय को पूरी दुनिया में फैलाए, और इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा।